हेलो एवरीवन, दिस इज सुधीर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी डिस्कस सेकंड लास्ट टॉपिक और यह है हमारी क्वांड्री एक्टिविटी, जिसको हम पंचम क्रियाकलाप के नाम से जानते हैं। हमने पिछली क्लास के अंदर जो पढ़ा था वो पढ़ा था क्वाडनरी एक्टिविटी। जो क्वाडनरी जो एक्टिविटी है उनके बारे में डिस्कस किया था और अब जो डिस्कस कर रहे हैं क्वाडनरी और यह है क्वाडनरी, इसको पंचम बोलते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने जो चतुर्थी जो क्रियाकलाप थी उसको कंप्लीट किया था बेटा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक एग्जाम की दृष्टि से मैं देखूं तो ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, पर इसके अंदर से एक क्वेश्चन है वो बनने की आशंका होती है और काफ़ी बार पूछ भी लिया जाता है। वो आता है आउटसोर्सिंग से, केपीओ और बीपीओ पे। दोनों चीज़ें मैं आपको अभी क्लियर हैं वो कर दूंगा, दोनों चीज़ें आपको समझ भी आ जाएंगी और आप आसानी से बता भी सकते हैं बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और आपको कुछ डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पीपल एंगेज इन हाईएस्ट लेवल, देखिए हाईएस्ट लेवल डिसीजन, इसके अंदर क्या होते हैं कि जितनी भी हाईएस्ट लेवल के जो डिसीजन जो लिए जाते हैं उनके अंदर उस प्रकार की जो हाईएस्ट लेवल के जो डिसीजन जो लिए जाते हैं उस प्रकार की जो जॉब होती है उसको हम क्वाडनरी, जो क्वाडनरी है उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। और कोई भी नीतियाँ बनाने का, कोई भी नीतियाँ बनाते हैं उस उनको भी, जो नीतियाँ जो बनाते हैं जो लोग, उनको भी हम क्वाडनरी एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड करते हैं। और इसके अंदर जो भी लोग काम करते हैं, जो भी वर्कर्स होते हैं, उनको गोल्ड कॉलर के नाम से जाना जाता है। गोल्ड सवरण कॉलर के नाम से उनको जाना जाता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि गोल्डन की जो गोल्ड कॉलर वर्कर्स हैं वो कौन सी एक्टिविटी से संबंधित हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी से हैं, वो है क्वाडनरी एक्टिविटी से। आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग इज कमिंग दोज कंट्रीज, जो आउटसोर्सिंग जो सोर्स हैं, आउटसोर्सिंग हैं वो उन कंट्रियों के अंदर आते हैं, वो उन कंट्रियों के अंदर आते हैं जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग लो हो, जहाँ पे रहने के लिए जो लिविंग जो कॉस्ट हो वो काफ़ी लो हो, एंड स्किल्ड जो वर्कर्स हैं वो अवेलेबल हो जाएं एट लो प्राइस, एक कम प्राइस पे हमें अवेलेबल हो जाएं। तो आउटसोर्सिंग जो सोर्स हैं, जो भी कंपनियाँ जो आती हैं वो उन्हीं देशों के अंदर आती हैं जिनमें जो लिविंग जो कॉस्ट है वो काफ़ी लो हो और जो स्किल जो वर्कर हैं वो आसानी से अवेलेबल हो जाएं लो कॉस्ट पे ही, लो प्राइस पे वो आसानी से अवेलेबल हैं हो जाएं, तो उन्हीं पे वो उन्हीं देशों के अंदर आती है। आगे बात करेंगे कौन कौन से देश हैं वो। सच हैज आउटसोर्सिंग हैज लीड टू द ओपनिंग अप टू लार्ज नंबर ऑफ कॉल सेंटर, एक बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग के रूप में अलग अलग देशों के अंदर जो कॉल सेंटर हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। या अब यहाँ से एक क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है कि काफ़ी तेज़ी से जो कॉल सेंटर हैं वो कुछ एक देशों के अंदर जो डेवलप, खासकर जो डेवलपिंग जो कंट्री हैं उनके अंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं या डेवलप हो रहे हैं, उसका कारण क्या है वो सारी चीज़ें, या कौन से देशों में हो रही है ये भी पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब देशों के नाम पूछ लिया जाए तो वो है इंडिया, चाइना, ईस्टर्न यूरोप, इज़राइल, फिलीपींस, कोस्टरिका, इन देशों के अंदर हमें देखने को मिलता है क्या कि इनके अंदर कॉल सेंटर हैं वो काफ़ी तेज़ी से उभर रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं। तो इनका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक तो क्या है कि जो स्किल जो वर्कर हैं वो काफ़ी लो प्राइस पे हमें देखने को मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं, और जो लिविंग जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम ही है बेटा, ये कारण है। इट हैज़ क्रिएटिंग न्यू जॉब इन दीज कंट्रीज, इन कंट्रियों के अंदर ये एक नई जॉब प्रोवाइड करती है, एक नई जॉब इसने क्रिएट की है, बनाई है। द कंट्रीज टू विच आउटसोर्सिंग इज डन एज नोन हैज आउट माइग्रेशन, उसको आउट माइग्रेटिंग बोला जाता है। जब क्या होता है द कंट्री टू विच आउटसोर्सिंग इज डन, जब आउटसोर्सिंग है वो डन हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, मैं कहूँ कि डन, तो उसको बोला जाता है आउट माइग्रेटिंग। कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, कुछ फ़ायदे भी हमें देखने को मिलते हैं तो कुछ नुकसान भी हमें देखने को मिलते हैं। आउटसोर्सिंग हैज़ द रिजल्ट इन रिड्यूसिंग ऑफ माइग्रेशन, रिड्यूसिंग ऑफ माइग्रेशन ऑफ स्किल वर्कर फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम डेवलप्ड। क्या होते हैं कि जैसे जैसे जो आउटसोर्सिंग है वो देश के अंदर आ रहे हैं तो उसके कारण क्या है कि जो उससे क्या हो रहा है कि लोगों को रोज़गार तो मिल रहा है, पर साथ के साथ क्या होते हैं कि जो स्किल जो वर्कर हैं वो डेवलप्ड कंट्री से
जो डेवलपिंग जो कंट्री है उससे कहाँ चले जाते हैं, डेवलप्ड कंट्री के अंदर चले जाते हैं। आगे क्या बता रखे, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग KPO एंड होम शेयरिंग आर न्यू ट्रेड्स। ये दो नए ट्रेंड जिनको ट्रेंड बोलते हैं हम, ये काफ़ी तेज़ी से उभर रहे हैं इन क्वाडनरी सर्विस के अंदर। KPO और जो होम शेयरिंग है ये काफ़ी तेज़ी से उभर रहे हैं। नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्स आगे बात करेंगे। KPO इज बेटर देन BPO। अब BPO क्या है भाई, ये आपको समझ आ जाएगा, आगे भी समझा दूंगा मैं KPO क्या है। BPO पहले BPO समझते हैं। BPO है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, जो केवल अपने बिजनेस के लिए, अपने फायदे के लिए, जैसे कॉल सेंटर जो खुल रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स हैं। ये क्या है, बेटर है। क्यों बेटर है, KPO इज द बेटर देन BPO बिकॉज इट इन्वॉल्व स्किल लेबर। क्योंकि जो KPO है इसके अंदर एक तरह से स्किल लेबर काम करती है, स्किल लेबर है वो काम करती है किसके अंदर, KPO के अंदर। तो इसलिए बेटर है वो BPO से। BPO के अंदर केवल कुछ एक पढ़े लिखे जो लोग हैं, ठीक है ना, वही काम करते हैं, पर जबकि KPO के अंदर काफ़ी पढ़े लिखे हायर डिग्री की हमें आवश्यकता है वो देखने को मिलती है। KPO इंक्लूड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। जो KPO है इसके अंदर दो तरह की एक्टिविटी हैं वो इंक्लूड की जाती हैं, एक तो रिसर्च की एंड डेवलपमेंट, ये दो एक्टिविटी हैं वो इंक्लूड की जाती हैं। बट कुछ अदर एग्जांपल भी हैं, ई लर्निंग, बिजनेस रिसर्च जिसको बोलते हैं, लीगल प्रोफेशन एंड बैंकिंग सर्विस, वो सभी की सभी KPO के अंदर इंक्लूड हैं, वो की जाती है। बैंकिंग सर्विस है, वही ई लर्निंग है, बिजनेस रिसर्च है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आती हैं हमारे क्वाड्रेंट एक्टिविटी के अंदर, पंचम क्रियाकलाप के अंदर इंक्लूड है, वो की गई हैं। एक टॉपिक और बचा है बेटा, उसकी भी जल्दी ही आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो ये थी आज की क्लास हमारी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।